हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। ये पूरे बुक का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कुछ बच्चों को ये चैप्टर बहुत टफ लगता है, बट हम लोग इसको बहुत ही ईजिएस्ट वे में चलेंगे लेकर के, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। तो मेरा नाम है मनोज पांडे और आप अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल के साथ हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को देखेंगे और इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कंप्लीट करेंगे। ये तो सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं और बहुत जल्दी से हम लोग फटाक से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। मतलब कि ये जो खाली स्थान है, यहाँ पर हमको इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को यहाँ पर चूज करके फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो वर्ड आपको दिख रहे होंगे, एक कॉन्ग्रुएंट वर्ड दिख रहा है, एक आपका सिमिलर वर्ड दिख रहा है। तो आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंसी आपने क्लास 9th में पढ़ा है और सिमिलरिटी आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि टू फिगर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर सेम इन शेप एंड साइज। यानी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब दोनों का शेप और साइज क्या होता है, सेम होता है। बट अगर हम लोग सिमिलर का बात करें तो सिमिलरिटी के लिए शेप और साइज दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए बट साइज अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा पहला जो पार्ट दिया हुआ है, ऑल सर्कल्स आर, जितने भी सर्कल हैं, तो सर्कल भाई छोटे रेडियस का भी हो सकता है, बड़े रेडियस का भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बना के दिखाऊं यहाँ पर, तो अगर दो सर्कल अगर मैं बनाऊं, देखिए एक ये मैं छोटा सा सर्कल बना रहा हूँ, एक ये मैं थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना रहा हूँ, तो क्या आपको देख के लग रहा है ये दोनों का शेप क्या है, सेम है, बस साइज अलग अलग है। तो अगर शेप सेम है, साइज अलग अलग है, तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर बोलते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सही है, आपका ये सिमिलर वाला ऑप्शन सही, यानी सिमिलर आपको यहाँ पर फिल करना है। समझ में आ रहा है। सेकंड, ऑल स्क्वायर्स आर, सभी स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो सेम यही केस आपका स्क्वायर के साथ भी बनेगा। अगर हम लोग देखें तो अलग अलग साइड का, अलग अलग लेंथ का आप स्क्वायर बना सकते हो, छोटा बड़ा बन सकता है ना। तो देखिए यहाँ पर दोनों का शेप क्या हो रहा है, सेम दिख रहा है बट दोनों का साइज क्या, अलग अलग है। तो जब शेप सेम हो और साइज अलग है, तो ऐसे केस में फिगर को क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन फिल होगा वो सिमिलर फिल होगा। समझ में आ रहा है बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखिए, थर्ड पार्ट में बोल रहा है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो सभी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। वो बोल रहा है कि दो ऑप्शन दिया है, ट्रायंगल तो 6 टाइप का होता है, इसमें से दो ऑप्शन दिया हुआ है, आइसोस्केलस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिसके दो साइड इक्वल होते हैं और एक साइड अनइक्वल होता है। इक्विलेटरल का मतलब होता है कि तीनों साइड इक्वल होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब आप जब भी बनाओगे, छोटा या बड़ा बनाओ, तो देखोगे आप कि उसकी करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स दोनों का शेप सेम होगा, साइज अलग अलग हो सकता है। तो अगर शेप सेम हो, साइज अलग अलग हो, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑप्शन रहेगा, यानी ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर फिल करना है। लास्ट देखते हैं, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। अब देखिए पॉलीगन का मतलब आपको समझना पड़ेगा। पॉलीगन का मतलब होता है अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय मोर देन टू साइड्स। यानी मोर देन टू साइड्स अगर कोई क्लोज फिगर बाउंडेड है, तो ऐसे फिगर को पॉलीगन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ये सारे जो हैं क्या होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या फिल करना है, समझते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन दिया हुआ है, या तो इक्वल फिल करना है या प्रोपोर्शनल फिल करना है। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। तो दो पॉलीगन जिनमें नंबर ऑफ साइड सेम है, यानी तीन साइड का है तो 3-3 साइड का है, 4 साइड है तो 4-4 साइड का है, वो सिमिलर किस केस में होंगे। ए ऑप्शन बोल रहा है देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल आर। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, तो देखिए सिमिलरिटी के लिए चार क्राइटेरिया है। वैसे वो क्राइटेरिया मैं इस वीडियो में अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट जब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे। चार क्राइटेरिया होता है सिमिलरिटी के लिए। जैसे आपने क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी के लिए चार क्राइटेरिया पढ़ा हुआ था ना, टोटल 4 क्राइटेरियाज, वैसे ही सिमिलरिटी के लिए भी 4 जो है क्राइटेरिया होता है। तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अगर दो फिगर सिमिलर हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं और
करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो आपको ये याद रखना है, माइंड में एकदम बैठा लीजिए कि एंगल हमेशा इक्वल होगा और साइड हमेशा प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए यहाँ पर देयर करस्पॉन्डिंग एंगल का बात करें तो एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होगा। यानी यहाँ पर हम लोग क्या फील करेंगे, ए वाले में इक्वल फील करेंगे और बी में क्या बोला, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, तो मैं क्या बोला प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल फील करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। मतलब आपको यहाँ पर डायग्राम बना करके दो ऐसे डायग्राम बनाइए जो सिमिलर हो। तो सिमिलर के लिए अभी हम लोग क्या बात किए कि उनके शेप सेम होने चाहिए, साइज अलग अलग हो सकता है। तो आप दो ट्रायंगल बना लीजिए ना, दो ट्रायंगल बना लीजिए, दो रेक्टेंगल बना लीजिए, दो स्क्वायर बना लीजिए, वो क्या हो जाएंगे। तो दो दो एग्जाम्पल देना, तो चलिए मैं यहाँ पर फटाफट से आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम लोग पहला एग्जाम्पल देखें, तो पहले एग्जाम्पल में आप ऐसे कर लीजिए, चलिए दो ट्रायंगल में बना देता हूँ। बहुत सारा डायग्राम बना सकते हो, एक ये ट्रायंगल बना लीजिए, एक ये ट्रायंगल बना लीजिए। देखिए दोनों में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया हूँ, दोनों का शेप क्या है, सेम है। यानी दिखने में शेप का मतलब दिखने में कैसा दिख रहा है, तो दोनों का शेप सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप बना सकते हो, रेक्टेंगल बना लीजिए। तो एक में ये रेक्टेंगल बना दिया, एक थोड़ा सा बड़ा रेक्टेंगल बना दिया, लेकिन रेक्टेंगल बनाने का मतलब ये है कि आपको इसका लेंथ और ब्रेथ करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे अगर ये 2 है तो ये 4 होना चाहिए, ये भी 2 है तो ये 4 होना चाहिए। सपोज करो ये 1 है तो ये 2 होना चाहिए, ये 1 है तो ये 2 होना चाहिए। आप चाहो तो स्क्वायर भी बना सकते हो, स्क्वायर भी बना सकते हो, वो भी सही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला पार्ट हो गया, मैं दो एग्जाम्पल आपको बता दिया। अब चलिए सेकेंड में क्या बोल रहा, नॉन सिमिलर फिगर। तो आप ऐसे दो फिगर बनाओ जो शेप में भी सेम नहीं हो, साइज में भी सेम नहीं हो। तो चलिए हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आप इस तरीके से बना सकते हो, ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड का दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। एक मैं ए करके चलिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आप एक काम करिए, एक स्क्वायर बना लीजिए और एक रेक्टेंगल बना लीजिए, ये नॉन सिमिलर फिगर है। क्यों नॉन सिमिलर है, क्योंकि देखिए दोनों का न तो शेप सेम है न तो साइज सेम है, तो ये सिमिलर नहीं हुए। एक एग्जाम्पल मैं और बता देता हूँ, बहुत सारा बना सकते हो। चलिए एक मैं ट्रेपीजियम बना दे रहा हूँ, कुछ भी आप बना लो, बस दोनों का शेप और साइज सेम नहीं होना चाहिए। एक मैं स्क्वायर बना देता हूँ, एक मैं स्क्वायर बना दिया। अब इस दोनों का भी देखिए न तो शेप सेम है न तो साइज सेम है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स बता सकते हो, बाकी यहाँ पर आपको दो ही बताना था, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 उसके तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर आर नॉट। देखिए यहाँ पर दो फिगर दिया हुआ है, दोनों को हमको बताना है कि दोनों को एक साथ बताना, अलग अलग नहीं बताना है, क्योंकि जब तक दो फिगर नहीं रहेगा तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो फिगर दिया हुआ है ये सिमिलर है कि नहीं, सबसे पहले तो आप देख के समझ गए होंगे कि ये सिमिलर नहीं है। क्यों सेम नहीं है, सॉरी क्यों सिमिलर नहीं है, सिमिलर होने के लिए शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। ना तो यहाँ पर शेप सेम दिख रहा है ना तो साइज सेम दिख रहा है। तो लेकिन आप इसको ओरली भी बता सकते हो, बट यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करके आप बता सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइड का लेंथ दिया हुआ है। तो मैं क्या बताया था कि साइड हमेशा प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल होने का मतलब कि जैसे ये साइड अपॉन ये साइड करो, दिस साइड अपॉन दिस साइड करो, दिस साइड अपॉन दिस साइड करो एंड दिस साइड अपॉन दिस साइड करो, तो ये प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो देखिए ये प्रोपोर्शनल है, कैसे है, 1.5 अपॉन 3 करोगे तो 1/2, 1/5 अपॉन 3 करोगे तो 1/2। तो इस तरीके से देखोगे तो चारों साइड जो प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स तो प्रोपोर्शनल हो गए, बट एक क्राइटेरिया और भी फुलफिल होना चाहिए, वो है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। देख के लग रहा है कि ये 90 डिग्री का सिंबल है, मतलब ये 90 डिग्री है बट ये 90 डिग्री नहीं है। तो यहाँ पर साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं बट करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। एट दैट केस वी कैन से दैट द गिवन 2 फिगर्स आर नॉट सिमिलर। समझ में आ रहा है? तो इस बात को आप आसानी से लिख सकते हो, या अगर बोलो तो मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ। चलिए इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो, मैं क्या लिख दिया, द टू क्वाड्रिलेटरल इन गिवन फिगर आर नॉट सिमिलर। मतलब दोनों जो डायग्राम दिया हुआ है वो सिमिलर नहीं है, बिकॉज क्योंकि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स तो प्रोपोर्शनल है बट करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है।
देन इट इज़ क्लियर दैट फ्रॉम द फिगर एंगल ए 90, आप डायग्राम देखिए, डायग्राम में एंगल ए तो 90 क्लियर कट दिख रहा है, वैसे चारों एंगल ए बी सी डी चारों 90, बट एक कोई हम लोग दिखा देंगे कि एंगल ए 90 नहीं है और उसका करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे फिगर में पी दिया हुआ है, सॉरी एंगल ए तो 90 है बट एंगल पी जो है वो 90 नहीं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं, इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 6.1 का हम लोगों ने किया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक जल्दी से पहुँच जाए। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।